हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सोमा हेयर एंड वेलकम टू बिल्ड करियर चैनल। तो आज हम टाइप्स ऑफ शेयर वारंट को देखेंगे। तो कल हमने क्या पढ़ा था? शेयर वारंट के बारे में पढ़ा था, उनकी मीनिंग, उनकी डिटेल में जो भी एक्सप्लेनेशन थी, हम क्यों करते हैं और इसके मेरिट्स डिमेरिट्स को क्या हैं, फीचर्स क्या हैं, ये सारी बातों को हमने कल देखा था। तो टाइप्स मैंने बताए थे कि कौन कौन से होते हैं, तो आज हम इनका डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो आज हम दो को देखेंगे, उसकी नेक्स्ट क्लास में हम दो दो करके देखेंगे। ओके, तो इससे क्या होगा, इससे हमें समझने में भी आसानी होगी और हमें बोरियत भी फील नहीं होगी। ओके, तो चलिए आज हम दो को ही देखेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब बिल्ड करियर चैनल एंड टैप दी बेल आइकन, जिससे कि आपको हर दिन न्यू नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अपने कमेंट्स मुझे ज़रूर प्रोवाइड करना, जिससे कि मैं और भी इम्प्रूव वीडियो आपके लिए ला सकूं। और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक करना और फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ शेयर करना। ओके, तो मैं अपना इंट्रोडक्शन प्रोवाइड कर दूँ। मैं नेट सेट क्वालिफाइड हूँ, एम कॉम में डिस्टिंक्शन है और साथ ही साथ 2 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो टाइप्स को मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था, बट एक बार और देख लेते हैं कौन कौन से हैं। कवर्ड वारंट, एसेट्स वारंट, इक्विटी वारंट, इनमें भी दो टाइप है। फर्स्ट है कॉल वारंट एंड सेकेंड है पुट वारंट। ओके, नेक्स्ट है बास्केट वारंट, उसके बाद है इंडेक्स वारंट, नेक्स्ट वेडिंग वारंट, डिटैचेबल वारंट, नेक्ट वारंट एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट कैश और शेयर वारंट। ओके, तो ये सारे नाम आपको देख लेने हैं। तो आज मैं कवर्ड वारंट और एसेट वारंट को करूँगी, फिर नेक्स्ट है उसकी दोनों इक्विटी वारंट, उसमें भी कॉल और पुट वारंट और बास्केट वारंट को देखेंगे। ओके, तो चलिए आज देखते हैं कवर्ड वारंट क्या है। और हाँ, आपको अगर पिछली क्लास की लिंक चाहिए तो मैंने ऊपर आई बटन में प्रोवाइड कर दी है, आप जाकर देख सकते हैं, इससे आपको और भी अच्छी तरह से क्लैरिफिकेशन हो जाएगी। तो चलिए आज देखते हैं कवर्ड वारंट को। क्या है कवर्ड वारंट? कवर्ड वारंट एक ऐसा वारंट होता है जिसे कोई नहीं इशू करता, बल्कि सिर्फ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इशू करते हैं। ओके, और यह एक नॉर्मल वारंट की तरह ही है। ये होल्डर्स को इक्विटी या अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में एक स्पेसिफाइड डेट और एक प्री डिटरमाइंड प्राइस के अंदर परचेज या सेल करने का परमिशन प्रोवाइड करता है। ओके, इसे कौन करता है? इसे कंपनीज इशू नहीं करती, इसको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इशू करते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। ओके, इसमें कॉमोडिटीज़, करेंसीज, स्टॉक की जो बास्केट है या फिर सिंगल हो, इसमें सेल किए जाते हैं। ओके, और कवर वारंट को लंदन, सिंगापुर और हांगकांग के स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट किया गया है। अच्छा, इसे ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। इसको कवर्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो इश्यूअर यानी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, वो इन्वेस्टर को वारंट सेल करते हैं। तो ये मार्केट में अंडरलाइंग एसेट को परचेज कर मार्केट रिस्क को कवर कर लेता है। ओके, ये मार्केट रिस्क को कवर करता है, इसीलिए इसे कवर वारंट कहते हैं। तो सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिए हैं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब एसेट वारंट को देखते हैं। क्या है एसेट वारंट? ये वो वारंट है जो कोई थर्ड पार्टी इशू करता है, उसे हम एसेट वारंट कहते हैं। यानी ना तो कंपनी अपनी इक्विटी या डेप्थ में इशू करती है और ना ही इक्विटी या डेप्थ के होल्डर इन्हें इशू करते हैं। ओके, इनको कोई थर्ड पार्टी इशू करता है। एसेट वारंट को इंडिपेंडेंटली भी सेल किया जा सकता है या फिर किसी और इंस्टीट्यूशन के साथ में अटैच कर उसे साथ में सेल किया जा सकता है। ये क्या परमिट करता है? ये एसेट वारंट होल्डर को ये राइट प्रोवाइड करता है कि वह चाहे तो किसी और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो कि ईश्वर के द्वारा प्रोवाइड की गई हो या सजेस्ट की गई हो, उनमें डील कर सकता है। ओके, तो सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, इससे आपको भी समझ में ईजी होगी। ओके, तो मैं अपने नोट से आपको ये प्रोवाइड कर रही हूँ। तो आज तो ये दो कंप्लीट हो गए, हम नेक्स्ट क्लास दो और करेंगे, इससे आपको पॉइंट्स क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आप यहीं पर हम क्लास एंड करेंगे आज। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अगर क्लास पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक करना और फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ शेयर करना। थैंक यू।